यो हेलो फिर से मैं आगे न्यू गेम प्ले के साथ इस गेम प्ले में फिर खेलने जा रहे हैं बॉस सिमुलेटर इंडोनेशिया का मिनी ट्रक ड्राइव। देख सकते हैं फाइनली जो हमारे ट्रक पे बहुत ही ओवरलोडेड डबल ओवरलोडेड गाइस देख सकते हैं फाइनली लोडेड है और हमको इसको चलाना है ऑफ रोड जो कि बहुत ही माउंट वाला रोड है जो कि पहाड़ वाला ऑफ डाउन वाला रोड है जो कि बहुत ही रिक्स इस गेम प्ले में होने जा रहा है। तो चलिए फाइनली मिलते हैं गेम प्ले में। तो देख सकते हैं फाइनली जो हमारे मिनी ट्रक है फुली लोडेड है और चलिए पूरा फुल होकर रेडी हो गया है। तो चलिए हम बिना देर किए बढ़ते हैं अपने गेम प्ले के आगे। तो चलिए गाइस करते हैं स्टार्ट और बढ़ते हैं अपने रोड की तरफ। तो यहाँ का रोड है गाइस जो कि बहुत ही माउंट वाला रोड है जो कि बहुत ही खतरनाक अप डाउन वाला रोड है। तो चलिए फाइनली निकलते हैं। तो देख सकते हैं गाइस हमको स्टार्टिंग में ही रोड मिल गया जो कि बहुत ही डेंजरस है। तो भाई थोड़ा सा भी गाड़ी इसे छोड़ हल्का सा भी डाउन हुआ तो गाड़ी पलट सकता है। तो हमको बहुत ही आसानी से और सतर्क होकर चलाना पड़ेगा। तो चलिए फाइनली आगे ही देख सकते हैं गाइस जो कि यहाँ का रोड है ऊपर नीचे वाला रोड है। तो देख सकते हैं हमको नीचे अभी तक जाना है अभी ढलान है तो ब्रेक लेकर ही चलना होगा। तो चलिए निकलते हैं आहिस्ते आहिस्ते। तो देख सकते हैं अभी नीचे तक कहाँ तक ये रोड गया है कोई अभी हमको अंदाजा नहीं। तो चलिए हम फाइनली से एक्सपीरियंस करते हैं कैसे कैसा इस रोड रहता है। तो देख सकते हैं गाइस जो हमारे इधर सारे बस लगा हुआ है वहीं से तो हम आ रहे हैं। तो रोड वही है बस खाली ऐसे टर्न जैसे ये रोड है तो हमको थोड़ा ही पास जाना है लेकिन ये रोड है जो भाई पहाड़ी क्षेत्र का तो थोड़ा ऐसे ऐसे टर्न लेना तो जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा ट्रक फंस रहा है तो निकल गया। ये छोटा है कहीं भी आराम से निकल जाएगा इसीलिए मैं इस पर लोड किया हूँ जो कि ओवर लोड है। तो देख सकते हैं पीछे जो सामान लगा हुआ है वो बहुत ही नीचे ऐसे दब गया है। तो कोई बात नहीं है थोड़ा सतर्क होकर चलाएंगे। और देख सकते हैं भाई किधर गया ये तो बैलेंस ही घबरा जा रहा है दोस्तों। देख सकते हैं जो कि रोड ऐसे न इतना ना सीधा है कि मेरा बैलेंस ही घबरा जा रहा है। तो चलिए फाइनली देख सकते हैं अभी तो नीचे हमको ढूंढना था अब सिर्फ हम अपना ट्रक ऊपर चढ़ाना है। तो देख सकते हैं यहाँ से तो मेरा गाड़ी रिवर्स हो रहा है जो कि बैक हो रहा है। यहाँ से मेरा फिर से स्पीड बनाना पड़ेगा उसके बाद चलाना पड़ेगा। और इसी में देख सकते हैं गाइस बारिश भी आ गया चाका भी स्लिप करने लग रहा है। तो चलिए फाइनली हमको तो यहाँ से कट होकर चलना पड़ेगा। जो वो बस वाला है ना भाई देख सकते हैं गाइस वो आकर ऐसे ही फंस गया तो मेरे को तो यहाँ से लेना पड़ेगा था। तो चलिए हम तो थोड़ा आस्ते आस्ते से लेंगे और इसमें भी बारिश आ गया तो थोड़ा चाका भी मेरा स्लिप कर सकता है टायर वायर। तो चलिए ऐसे यहाँ तो कैसे भी करके निकलना पड़ेगा नहीं तो यहाँ मेरे को रुकना पड़ेगा। तो हम तो रुकेंगे नहीं गाइस रिक्स लेंगे उसके बाद में निकलेंगे। और आसानी से मेरा यहाँ से हो गया इस ट्रक को मैं ले लिए टर्न लेकर बहुत ही आसानी से मैं फिर से आ गया इस रोड पर। तो चलिए देख सकते हैं इसके पीछे जो कि ट्रैफिक लगा हुआ है वो भी भाई इधर से 300 भी निकल जाओ हम तो आ गए इतना फुली लोडेड लेकर। अबे भाई यहाँ तो रोड ब्लॉक हो गया है यार ये रोड क्यों बंद कर दिया गया है। तो हम तो भाई इधर से लेंगे साइड से कट और निकलते हैं भाई अरे यार कहीं ये रोड बंद कर दे रहे हैं सब। तो चलिए हम तो यहाँ से निकल गए और यहाँ से फिर लेंगे इधर हमको जाना है भाई। तो देख सकते हैं गाइस रोड उसको ब्लॉक कर दिया गया था तो हम वैसे भी करके निकल ही गए। और देख सकते हैं गाइस इस रोड ड्राइव पे चलते चलते हमारा भी बहुत ही अच्छा अच्छा नज़ारा भी इस रोड में आ रहा है तो जो कि खूबसूरती भी बहुत ही अच्छा प्रकृति के हिसाब से अच्छा ही है। तो देख सकते हैं हम फिर से अब जाने वाले हैं टनल में। तो देख सकते हैं गाइस जो हमारा ट्रक है बहुत ही खूबसूरत और इस रोडों पर तो और भी खूबसूरत लग रहा है और जो कि घाई रोड है ना जो बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा रोड है। तो देख सकते हैं फाइनली जो हमारे सामने है टनल तो इस टनल को हम करेंगे पार। तो चलिए फाइनली बहुत ही हाइट है मेरा ट्रक पर कोई डिस्टर्ब नहीं होने वाला।
तो चलिए देख सकते हैं जो कि टनल है, बहुत ही खूबसूरत टनल है। और उसके बाद तो अबे भाई ये कितना बड़ा गिरेकर था, तो चलिए फाइनली। और उधर के हिसाब से थोड़ा इधर रोड तो बहुत ही खाली और सीधा है गाइस, देख सकते हैं फाइनली जो रोड बहुत ही स्मूथ है, ये वाला रोड सही है, तो इस पर मेरा ट्रक चलेगा बहुत ही स्पीड। और देख सकते हैं गाइस इधर का रोड थोड़ा अच्छा ही है। अबे भाई ये अरे यार एक्सीडेंट करेगा कहाँ भाई मेरे ट्रक, तो चलिए गाइस देख सकते हैं जो कि बहुत ही नागिन डांस भी हो रहा है। और देख सकते हैं गाइस जो कि केबिन जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही रियलिस्टिक, तो देख सकते हैं गाइस ये कैसे कैसे झूला खेल रहा है मेरा ये मिनी ट्रक। जैसे मैं भाई ये बहुत लोडेड है तो थोड़ा तो ऐसे वैसे करेगा ही। और देख सकते हैं गाइस फाइनली बारिश भी आ गया, और इस भाई क्षेत्र में ना कभी भी बारिश और कोई भी धूप निकल जाता है तो कोई इसमें लेना देने की बात है नहीं। जो देख सकते हैं गाइस बहुत ही जल्दी जल्दी बारिश भी आ जा रहा है, तो इसमें तो कोई बात नहीं, इतनी ही तो मजा आता है गाइस करने में अपने गेम प्ले में। तो देख सकते हैं गाइस हम बहुत ही नज़दीक है अपने मिशन के, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। और ये अबे भाई ये देख सकते हैं जो हमारे इसका डोर कब से खुला हुआ है, हम तो इस पर नज़र ही नहीं देख रहे हैं, इसको तो हम देख ही नहीं पा रहे हैं। तो चलिए अपने डोर को किए बंद और निकलते हैं, डोर पता नहीं यार कब से खुला हुआ है। तो चलिए कोई बात नहीं, एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है, डैमेज भी नहीं हुआ है, तो सही है बचा हुआ है। तो देख सकते हैं गाइस फाइनली हम आ गए जहां हमको आना था, वो आगे जो सामने वो घर है ना वहीं हमको करना है इसको ड्रॉप। तो हम इसको भी इधर भाई देख सकते हैं गाइस कि इस रोड पे चारों तरफ पानी ही पानी लग गया है, जैसे में इधर बहुत ही तेज़ बारिश हुआ है लग रहा है। तो चलिए हम इसको करेंगे यहाँ बैक और यहीं करना है हमको ड्रॉप। तो चलिए गाइस करते हैं पीछे, और इधर भाई ट्रैफिक भी लग गया भाई, कोई बात नहीं अभी आप लोगों को ट्रैफिक जाइए, हमको तो यहीं रहना है। तो चलिए फाइनली हम अपने फटाफट करते हैं ट्रक को खाली, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करिए, और इससे भी तगड़ा वीडियो लेकर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो देख सकते हैं फाइनली हम